गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे आई एम ग्रूट की टाइमलाइन के अपडेट के बारे में, क्योंकि काफी टाइम से डीएम आ रहे थे कि भाई ये सीरीज जो आ रही है ये कहां पर फिट होती है एमसीयू के अंडर, इसकी स्टोरी क्या है और कहां पर जाके ये एमसीयू की टाइमलाइन में एंटर करेगी, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं था। बट फाइनली मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको पूरी डिटेल दूं कि ये एमसीयू की कौन सी मूवी के बीच में फिट होती है या सीरीज के बीच में फिट होती है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले आपने गार्डियंस की सारी मूवीज देखी होंगी और एमसीयू की उन मूवीज को देखा होगा जिसमें कि हमें ग्रूट दिखाया गया है। तो वॉल्यूम 1 से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम 1 में ग्रूट काफी बड़ा था, उसने कुर्बानी दी और फिर एक लकड़ी का टुकड़ा रह गया जो कि रॉकेट ने गमले में लगा दिया और वहां से बना बेबी ग्रूट। अब वॉल्यूम 2 में हमें बेबी ग्रूट ही दिखाया गया है और जब हमने फिफ्थ एंड क्रेडिट सीन देखा गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 का, तो उसमें देखा कि ग्रूट बेबी ग्रूट से बहुत बड़ा हो गया है। फिर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, फिर थॉर 11 थंडर देखी जिसमें कि टीनेजर ग्रूट हमें दिखाया गया है, पर बेबी ग्रूट का कहीं पर भी नामो निशान नहीं बताया गया, कोई भी बैक स्टोरी नहीं बताई गई कि अचानक से बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि एक छोटा सा बेबी ग्रूट और एकदम अचानक से टीनेजर का हो जाए तो ये सबको सरप्राइजिंग लगता है। तो एमसी ने उसके ऊपर एक डेडिकेटेड सीरीज बना दी है जिसके अराउंड 2 सीजन आएंगे, जिसमें कि पहले सीजन में आपको 4 से 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और दूसरे सीजन में भी मे बी यही होने वाला है। बट कंफर्म ये हो गया है यहाँ पर कि वॉल्यूम 2 और एंड क्रेडिट सीन, जो फिफ्थ एंड क्रेडिट सीन है, उसके बीच की ये स्टोरी चलेगी, यानी कि 2 सीजन में इसको कवर अप करा जाएगा जिसमें कि हमें बताया जाएगा कि ग्रूट बेबी ग्रूट से टीनेजर ग्रूट कैसे बनता है। तो एमसीयू ने इस चीज के लिए स्पेशल टीवी सीरीज बनाई है और हम फैंस के लिए जो कि बेबी ग्रूट के बहुत बड़े फैंस हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड सीरीज बनाई है और ये टाइमलाइन वॉल्यूम 2 से और पोस्ट क्रेडिट सीन के बीच की है। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, सिर्फ वॉल्यूम 2 देखनी है, फिर उसके बाद ये सीरीज देखनी है और फिर एंड क्रेडिट सीन देखोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। वैसे तो सब डायहार्ड फैंस हैं, सबको ये चीज पहले से पता होगी। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा जानकर, टाइमलाइन का अपडेट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।